राजस्थान में एक बार फिर सत्ता बदलने का ट्रेंड, 5 साल में सरकार बदलने का ट्रेंड जारी रहा। इस विधानसभा चुनाव में भाजपा को बहुमत हासिल हो गया है। चुनाव आयोग के मुताबिक भाजपा 115 और कांग्रेस ने 69 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं 15 सीटों पर अन्य उम्मीदवार आगे रहे हैं। भाजपा के जीतने के बाद प्रदेश भर में भाजपा कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। और इधर हार स्वीकार कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। पहली बार चुनाव लड़ रही भारत आदिवासी पार्टी ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं हनुमान बेनीवाल को छोड़कर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से कोई भी उम्मीदवार चुनाव नहीं जीता। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त बहुजन समाज पार्टी के 2 विधायक ही चुनाव जीते, तो आम आदमी पार्टी इस चुनाव में भी अपनी छाप नहीं छोड़ सकी और एक भी सीट नहीं जीत पाई। इसके साथ ही ओबीसी की AIMIM और कम्युनिस्ट पार्टी भी चुनाव में खाता नहीं खोल पाए हैं। राजस्थान से कांग्रेस की विदाई हो चुकी है। मैं राजस्थान की जनता को, राजस्थान के मतदाताओं को और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जिस हिम्मत से साथ, दृढ़ता के साथ अन्याय के खिलाफ लड़े, अन्याय के खिलाफ सत्य की जीत है। जो 5 वर्षों में अच्छा शासन दे न सके, कानून व्यवस्था सुधार नहीं सके और बिगड़ती कानून व्यवस्था में जहाँ आम व्यक्ति अपना आपको सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था, अब राजस्थान की जनता ने उसका बदला कांग्रेस से लिया है और कमल को खिलाया है। एक बात और कहना चाहूँगा, नौजवानों ने, युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन भी दिया है, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी को विजयी हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी एक अच्छा शासन प्रदेश को देगी, विकास के साथ और कानून व्यवस्था को सुधारते हुए आम आदमी को सुरक्षा देगी। चुनाव में हार के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजभवन जाकर राज्यपाल कलराज मिश्र को अपना इस्तीफा सौंपा। गहलोत ने नतीजे आने के बाद कांग्रेस वॉर रूम में पहले बैठक की और बैठक के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उसमें गहलोत ने कहा कि जनता ने जो जनादेश दिया है, कांग्रेस पार्टी उसका सम्मान करती है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने मंगलवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई है और इसमें उन्होंने हार के कारणों पर मंथन करने की बात कही है। इस चुनाव में कई चौंकाने वाले परिणाम भी सामने आए। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी चुनाव हार गए। प्रसादी लाल मीणा और प्रताप सिंह खाचरियावास सहित राज्य सरकार के 25 में से 17 मंत्री चुनाव हारे। वहीं नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया भी चुनाव हार गए। भाजपा ने जिन 7 सांसदों को चुनाव लड़ाया था, उनमें से 4 चुनाव जीते और 3 सांसद भी चुनाव हार गए। जो मंत्री चुनाव हारे हैं, उन मंत्रियों में प्रमोद जैन भाया, प्रताप सिंह खाचरियावास, साले मोहम्मद, रामलाल जाट, प्रसादी लाल मीणा, उदयलाल आंजना, रमेश मीणा, भजनलाल जाटव, विश्वेंद्र सिंह, ममता भूपेश, शकुंतला रावत, गोविंद राम मेघवाल, बीडी कल्ला, राजेंद्र सिंह यादव, भंवर सिंह भाटी, सुखराम विश्नोई और जाहिदा खान शामिल हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर में पिछले चुनाव में 7 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली कांग्रेस को इस बार सिर्फ 2 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भोपालगढ़ में कांग्रेस की गीता बरवड़ ही चुनाव जीत सके। आइए आपको बताते हैं जोधपुर जिले की सभी 10 सीटों के नतीजों का हाल। जोधपुर जिले में सबसे बड़ी जीत सूरसागर में भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र जोशी के नाम रही। उन्होंने कांग्रेस के इंजीनियर शहजाद अयूब खान को 38,759 मतों से शिकस्त दी। देवेंद्र जोशी को 1,17,065 मत मिले तो इंजीनियर शहजाद खान को 78,306 मत हासिल हुए। जीत के बाद देवेंद्र जोशी ने कहा, ये कार्यकर्ताओं की जीत है। निश्चित रूप से जनता की अपेक्षाएं बढ़ी हैं, बिल्कुल जिम्मेदारी भी बढ़ी है ना, तो उन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए क्षेत्र में विकास की एक नई अवधारणा जिसमें आम जनता की जन भागीदारी के साथ विकास हो, क्योंकि मोहल्ले की समस्या है, समस्या उनकी समाधान उनके पास है,
तो उनके साथ बैठ के समन्वय के रूप में बैठ के सरकार अधिकारियों के साथ बैठ के उन वही पे उसकी योजना बनाना और उसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी भी समाज के लोग ताकि मॉनिटरिंग में गड़बड़ नहीं हो, नहीं तो कई बार विकास के नाम पे विनाश हो जाता है जी। लोग आम भाषा में चर्चा करते हैं तो पैसा चपड़ गया, वो चपड़ने की सिस्टम खत्म, आम जनता की भावना के अनुरूप विकास। ये मेरी पहली बात, जनता को बहुत उम्मीदें हैं आपसे, जिस तरह आप खुद कह रहे हैं कि बहुत बड़ा अंतर जिले में मुख्यमंत्री से ज्यादा बड़े अंतर से आप चुनाव जीते हैं, एक बहुत बड़ी अपेक्षा है जनता को। सूरसागर विधानसभा क्षेत्र आपने देखा, बड़ा क्षेत्र है, भौगोलिक एरिया बड़ा है, आप घूमे हैं, आप पहले से यहाँ पे काम कर रहे थे, चुनाव में निश्चित तौर पर आप बहुत घूमे, लोगों से मिले होंगे, जब ये क्या लग रहा है आपको सूरसागर में, क्या प्रारंभिक तौर पर क्या प्रारंभिक तौर पर यहाँ क्योंकि नई आबादी का जो प्रेशर है वो सूरसागर में जा रहा है जी ना, तो नई जितनी भी कॉलोनियाँ बन रही सूरसागर में, तो उनको मूलभूत सुविधा मिले, पानी की, बिजली की, सड़क की, सीवरेज की, ये समस्या कई क्षेत्रों में मैं जाता हूँ। दूसरी समस्या है कि जो पाक विस्थापित हमारा है ना, वो आज जिस तरह की नारकी जीवन जी रहे हैं ना, मैं सरकार का क्यों नहीं जानूँ की लोग गया है ना, या तुष्टिकरण की राजनीति की भेंट चल गया ना, तो उन लोगों का है ना, क्योंकि वो हिंदुस्तान में कुछ अपेक्षा लेकर आए थे बिल्कुल, तो उन अपेक्षाओं पर खरा उतरना और उन बस्तियों का विकास करना, उनको भी जीवन यापन का साधन मिले, ये सब प्राथमिकता में रहेगा। और कच्ची बस्तियों का विकास हो, कई बस्तियों में पट्टे नहीं मिले, सत्तर सत्तर साल से बस्तियाँ बसी हुई लेकिन पट्टे नहीं मिले ना, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए विकास की एक समन्वित योजना, जिसमें एक फ्रंट पे जिनको पट्टे नहीं मिले उनको पट्टे भी मिले, दूसरे फ्रंट पे कच्ची बस्तियों का विकास हो, और तीसरे फ्रंट पे जो पाक विस्थापित जो जोधपुर में रह रहे हैं बड़ी संख्या में ना, तो उनको मूलभूत सुविधा है ना, अब उनके क्षेत्र में स्कूल नहीं ना, छोटा मोटा हॉस्पिटल नहीं ना, उनको 10-10 किलोमीटर पानी के लिए 5-5 किलोमीटर उनको चक्कर काटना पड़ता है, तो उससे मन द्रवित होता है कि ये भी हमारे समाज के लिए है ना, इन तक आज तक सरकारी योजनाओं का लाभ क्यों नहीं पहुँचा, इस बात की भी जानकारी लगी। और सरकारी योजनाओं का लाभ, क्योंकि जैसे अभी विश्वकर्मा योजना में तो जो प्रत्येक हाथ का कारीगर है उसको सरकार अनुदान दे रही है, तो उन योजनाओं के माध्यम से उनका जीवन स्तर भी ऊपर उठे, खाली मूलभूत सुविधाएं देने से नहीं चलेगा, उनका जीवन स्तर भी ऊपर उठाना होगा, आय के साधन भी उनको बढ़ाने होंगे, क्योंकि वो की एक अपेक्षा के साथ हमारे देश में आए थे, उन अपेक्षाओं पर सरकार खड़ी उतरे और मैं खुद खराब करने का प्रयास करूँगा। सूरसागर से आप अच्छे बहुमत से जीते, जनता की अपेक्षा भी है आपसे काफी ज्यादा, जैसा कि आपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र में 26,396 मतों से जीत दर्ज की, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र राठौड़ को हराया, अशोक गहलोत को 96,859 और डॉक्टर महेंद्र राठौड़ को 70,463 मत हासिल हुए। उम्मीद तो नहीं थी पर अब जनता जनार्दन है, जो भी फैसला है वो स्वीकार्य है, जिस तरह के जो जन कल्याणकारी योजनाएं जो अशोक गहलोत साहब ने लागू की थी उस हिसाब से हमारे को तो नहीं लगता था, पर फिर भी अब जो भी जनता जनार्दन है, जो भी मैंडेट उन्होंने दिया है उसको हम स्वीकार करना के अलावा कोई हमारे पास चारा भी नहीं है। अब आगे देखते हैं कि जो जन कल्याणकारी योजना अशोक गहलोत साहब ने जो लागू की और 7 गारंटी जो दी है, तो अब आगे उसका क्या प्रतिफल होता है उसको देखेंगे। जनता में तो हमारे को नहीं लगता था कोई चीज़ ऐसे, हमारे को तो यहाँ पे हम लोगों ने सरकार के विरुद्ध ऐसा कोई माहौल हमारे को नहीं लगता था, पर फिर भी अब जो भी स्थिति है वो सबके सामने है, वो तो अलग अलग कई कारण होते हैं, वो तो अब जैसे अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के जो अब लूनी विधानसभा क्षेत्र है तो उसका अलग कारण है और दूसरे जो विधानसभा क्षेत्र है उनके अलग कारण है, तो अलग अलग विधानसभा वाइज कैंडिडेट वाइज भी उसका आंकलन करने की जरूरत, हाँ ये भी हमारे लिए ये सोचने का विषय है और हम इसके ऊपर देखेंगे कि भाई कहाँ पे क्या स्थिति, हमारी कहीं कमी रही है, कहीं कहीं ऐसी स्थितियाँ कहीं रही है जिस तरह से हमारे को तो लगता था इससे ज़्यादा वोटों से हम पहले से ज़्यादा मार्जिन से हम जीतेंगे, पर फिर भी अब क्या कारण रहे हैं
और सभी कार्यकर्ता मिलकर अपने अपने वार्ड में जो भी हमारे पार्षद है तमाम कार्यकर्ता है उनको अलग अलग बूथ वाइज जो भी उनकी जो वार्ड के अंदर जो बूथ आ रहे हैं तो उसके अंदर भी उसका हमको आकलन करने की जरूरत है, उसके ऊपर और ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है भाई कहाँ हमारे कमी रही है। जिले में सबसे कम मतों से ओसिया में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बेहरा राम चौधरी ने जीत दर्ज की। उन्होंने कांग्रेस की दिव्या मदेरणा को 2,807 वोटों से हराया। बेहरा राम चौधरी को 1,03,746 और दिव्या मदेरणा को 1,09,39 मत हासिल हुए। जीत के बाद बेहरा राम चौधरी ने कहा कि उन्होंने ओसिया की जनता ने उन्हें चुनाव में जीत दिलाई है। बीजेपी बहुमत की ओर बढ़ती हुई और इस समय हमारे साथ हैं ओसिया से चुनाव जीतने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बेहरा राम जी सिहोल। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन चैनल के माध्यम से ओसिया की जनता और पूरे जोधपुर जिला और पूरे जोधपुर संभाग और पूरे राजस्थान की जनता का खूब खूब अभिवादन। बेहरा जी, जिस तरह चुनावी मुकाबला रहा, बहुत क्लोज कंटेस्ट रहा, क्या लगता है आपको ओसिया की जनता ने आप पर जो विश्वास जताया है उसके लिए आप क्या करें? देखिए, ओसिया की जनता भी पहले से मानती है जी कि चुनाव जो है किस तरफ जाएगा। ओसिया की आम जनमानस की भावना ने तय करके रखा है। अब ऐसा लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, चुनाव होते हैं, बैलेट में ईवीएम में आपके वोट जाते हैं और इसके बाद में आपकी मतगणना होती है। आज इस परिणाम आपके एसएसएल के सामने, और मैं समझ रहा हूँ 2018 से 2023 तक का शासनकाल रहा है, खास करके ओसिया की जो जनता को जिस प्रकार से शासन जो मिलना चाहिए वो प्रदर्शन नहीं मिला। वो चाहे कानून के स्तर की बात हो, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की हो, चाहे जैसे विद्युत तंत्र में कृषि कनेक्शनों की बात हो, चाहे घरेलू कनेक्शन की बात हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में बात हो, जो इन्होंने संपूर्ण कर्जा माफी का वादा किया था, इन्होंने 3500 बेरोजगारी भत्ता का वादा किया था, और इसके अलावा इन्होंने पूरा का पूरा 18 से 19 पेपर जो लीक किए, जिसे बेरोजगार युवाओं के साथ और आम जन के साथ में एक अविश्वास की कहीं कहीं कड़ी बनी है। और मैं समझ रहा हूँ कि ओसिया के अंदर जो जनप्रतिनिधि के प्रति जो जनमानस का जो भावना होनी चाहिए या जनप्रतिनिधि का जो कर्तव्य होना चाहिए वो उन्होंने कहीं न कहीं उस कर्तव्य की पालना नहीं की, ये उसी का नतीजा मानते हैं? हाँ, ये तो ओसिया की जनमानस ने फैसला दिया। बेहरा जी, ओसिया में चुनाव के पहले या चुनाव के दौरान जो भी वाकई हुई आरोप प्रत्यारोप लगे, और एक तरफ बात ये थी कि साहब लोग जो है मौजूदा विधायक से नाराज़ हैं, सफा हैं, उनके काम को लेकर, उनकी बोली को लेकर, उनके व्यवहार को लेकर, आपने जिस तरह से उसको एक्सपोज किया, आप क्या मानते हैं कि उसकी सफलता जो आपके वोट 2600 के करीब आए हैं, ये मेरे को जो जीत का अंदर क्योंकि आपके जीत के अंदर की बात हो रही थी अधिक की, इसका क्या कारण है? क्या देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊँ, हार जीत का अंतर तो एक वोट भी होता, जीत जीत बिल्कुल 2800 और 2700 वोटों का अंतर रहा है। देखिए, इन्होंने अपने सरकारी तंत्र का बहुत सारा दुरुपयोग किया है। हमारे इन चुनावों से पहले उन्होंने पूरी की पूरी जो चुनावी जो लिस्टें हैं, जो अंतिम प्रकाशन होता था, उन्होंने जिस प्रकार से उन लिस्टों में घपला किया, आम जन आम आदमी नहीं समझ सकता, जिस प्रकार से BLO इन्होंने 59 BLO एक ही आदेश में चेंज किए, और जो हमारे समर्थक थे उन समर्थकों का लगभग ओसिया के 10 से 15 हज़ार लोगों का नाम काटा गया, जो हमारे समर्थक थे उनका नाम काटा गया, और सरकारी मशीनरी का कम्प्लीटली दुरुपयोग किया गया, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से और सरकारी मशीनरी के माध्यम से, जिस प्रकार इस बार जो है हमने ये देखा है कि सरकारी अधिकारी और सरकारी कर्मचारी इस राजनीतिक पार्टी का, कांग्रेस का और कांग्रेस के प्रत्याशी का चुनाव प्रचार कर रहे थे। अब हम इतने ओछापने में वो नहीं आते, नहीं तो इन लोगों की शिकायतें करेंगे तो कितने लोग अपनी नौकरी से एक हाथ धो बैठेंगे। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि किसी भी सरकारी कर्मचारी हो या अधिकारी हो, इस प्रकार की राजनीतिक पार्टियों का जिस प्रकार से खुला पक्ष लेके और जिस प्रकार से चुनाव के प्रचार में खुद जुटे, ये एक बोलना चाहिए स्वच्छ लोकतंत्र की परंपरा का कहीं ना कहीं मैं समझ रहा हूँ इसकी हत्या हो रही है। और ऐसे
जो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी है उनको मैं इस बात की भी ऐसा चेतावनी देना चाहता हूं कि जो आपने कृत्य 2023 के चुनावों में किया है आपको फिर कभी ऐसा कृत्य करने का मौका नहीं देंगे। आने वाली हमारी सरकार इस विषय पर संज्ञान भी लेगी और इस विषय के ऊपर हम लोग इनके खिलाफ में कार्रवाई भी करेंगे और कठोर से कठोरतम कार्रवाई करवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है प्रदेश में, बहुमत की और बीजेपी बढ़ रही है, लगभग हासिल हो रहा है बहुमत, आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए ये जो है विषय जो है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा और जहाँ तक आपने मुख्यमंत्री जी का जो सवाल मेरे से कहा है उसके लिए मैं जवाब देने के लिए अधिकृत भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपने सवाल का जवाब पूछा, मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल ही मुख्यमंत्री होगा। और हमारे साथ शंभू सिंह जी, खेता सर और महेंद्र सिंह जी हैं जिनकी मुख्य भूमिका ओसिया के इस रिजल्ट में रही है। शंभू सिंह जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा क्या जो कारण ऐसा माना जा रहा था कि जब आप लोग साथ आ गए थे तो एक बड़ी जीत होगी बीजेपी की, लेकिन उतनी बड़ी नहीं जितनी लोग सोच रहे थे। पिछले 4 साल से राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज नहीं जी, और ओशिया में जिस तरीके से आप सभी मीडिया बंधु कह रहे हैं वो मजबूरी एक तरफ है, जो मजबूरी और श्रेणी की है जो बातें हो रही थी, लोकतंत्र में ऐसी भाषा काम में ली जाती है? लोकतंत्र में जनता के सेवक बनकर राजनेता आगे बढ़ते थे, इसलिए ये तो पूरे ओशिया के जनमानस में आ गया था कि इस बार बदलना है। लेकिन हमारे सामने पूरी सरकार चुनाव लड़ रही थी, इसलिए हम सभी हमारे जो जितने भी कैंडिडेट थे, चाहे राजपूत चाहे जाट और जिस भी समाज में, सारे लोगों ने एक मत से तय कर लिया कि हम बैराराम जी की ओर को चुनाव लड़ेंगे और साथ रखे इनको चुनाव जीते। बैराराम जी एक स्पेशल कमेंट चाहूँगा, शेरनी अब क्या रह गई है? शेरनी अब क्या रह गई? शेरनी अब क्या रहेगी? उसका जवाब तो शेरनी से ही पूछिए। फलौदी में भाजपा के पब्बा राम विश्नोई ने कांग्रेस के प्रकाश चंद छंगाणी को 10,784 मतों से शिकस्त दी। पब्बा राम विश्नोई को 80,243 मत हासिल हुए तो प्रकाश चंद छंगाणी को 59,459। यह निर्दलीय डॉक्टर निरंजन मेहरा 12,549 मत हासिल कर तीसरे स्थान पर रहे। हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जिस प्रकार से यहाँ पर छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार, जिस प्रकार से कानून और व्यवस्था चरमर हो गई थी, उस कानून और व्यवस्था को हम ठीक ढंग से करके और सुचारू रूप से सरकार चलाएंगे और इस लूट और झूठ की सरकार का हमेशा के लिए पुनः वापस ना आए और जनता को दुख दर्द देखना ना पड़े, ये प्रयास करेंगे। लोहावट में भारतीय जनता पार्टी के गजेंद्र सिंह खीवसर ने कांग्रेस के कृष्णा राम विश्नोई को 10,549 मतों से हराया। गजेंद्र सिंह खीवसर को 81,415 तो कृष्णा राम विश्नोई को 70,866 मत मिले। वहीं कांग्रेस के बागी आरएलपी के उम्मीदवार सत्यनारायण विश्नोई ने 49,859 मत हासिल किए। शेरगढ़ में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बाबू सिंह राठौड़ ने 25,000 से अधिक मतों से जीत दर्ज की। उन्होंने कांग्रेस की मीना कंवर को हराया। बाबू सिंह राठौड़ को 1,02,868 तो कांग्रेस की मीना कंवर को 77,824 मत मिले। यहां आरएलपी के जोरा राम 16,952 मत लेकर तीसरे स्थान पर रहे। जीत के बाद बाबू सिंह राठौड़ ने कहा वो शेरगढ़ के मंदिर रूपी जनता के पुजारी हैं और पुजारी बनकर शेरगढ़ की सेवा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। हम आपको बता दें बाबू सिंह राठौड़ ने कांग्रेस की मौजूदा जो विधायक थी वहां पर कांग्रेस प्रत्याशी मीना कंवर को 23,000 से अधिक मतों से चुनावी शिकस्त दी है। बाबू सिंह राठौड़ साहब आपको बहुत बहुत बधाई। बड़ा मतलब क्या मानते हैं आप, जीत का श्रेय किसे देंगे? जीत का श्रेय तो हमारे देश के सबसे बड़े नेता जी, विश्व के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने जनता के दिलों में विश्वास और भरोसा कायम किया। और जैसा आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में योगी और देश में मोदी जी, डबल इंजन की सरकार, तो राजस्थान में भी मोदी जी की जो आह्वान था कि विकास की हम गारंटी देते हैं, विकासशील से विकसित राजस्थान में और डबल इंजन की सरकार, तो उन्होंने जो गारंटी दी है उसके ऊपर, उसी विश्वास के ऊपर, भरोसे के ऊपर जनता ने वोट दिया। उसके बाद मैं कहना चाहूँगा जी, शेरगढ़ की जनता ही जनार्दन है मेरे लिए। बिल्कुल, मेरा मानना है कि शेरगढ़ मेरे लिए मंदिर है और जनता हमारा
उस मंदिर की भगवान है, मैं उनका पुजारी हूँ। तो पुजारी बनकर हम उनकी सेवा की है। इस बार का चुनाव बाबू सिंह राठौड़ ने नहीं लड़ा, इस बार का चुनाव शेरगढ़ की जनता ने लड़ा और ये ईश्वरी जीत है, देवी जीत है और शेरगढ़ की आन बान शान और स्वाभिमान जीत। आपको क्या लग रहा है शेरगढ़ में कौन से और काम हैं जो आपको लगता है रह गए और इस कार्यकाल में आप उनको पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे? अजय जी तो मेरे बचपन के दोस्त हैं और 1991 से छात्र राजनीति से शुरुआत की है और 15 साल राजस्थान में विधानसभा का सदस्य बनकर मेरे को जो सेवा करने का मौका दिया था। और शेरगढ़ के बारे में कहा जाता है शेर पटना शेरगढ़ आके भारत एक नृत्य जहाँ जहाँ नारा टणका ही थे। हिंदुस्तान में एक नाम है शेर बिल्कुल और वो सूरों की वजह से जाना जाता है। तो उस धरती की सेवा करने का सौभाग्य हमें मिला और 15 साल सिपाही बनकर हमने सेवा करी है। हर ढाणी को देखा है, गांव को देखा है, तक अंतिम ढाणी तक पहुंचे हैं। तो कहाँ कितना काम हुआ, कितना काम बकाया है जी, जो काम हो गया और जितना बकाया है जनता ये भरोसा करती है कि बाबू सिंह फिर से आएगा। जो भी पार्टी का आदेश होगा वो सिरोधारी होगा और उसको पूरे तन्मयता से अपनी जिम्मेवारी से निभाएंगे। प्रफुल्ल जी कुछ कुछ आप में आत्मविश्वास पूर्ण रूप से था। कल मेरे पास में किसी व्हाट्सएप के ग्रुप में आपके आज का प्रोग्राम का शेड्यूल आया जिसमें जसोद माता नागाना देवी कुल वहाँ पे और ये जो समय बताया अभी आपने इस समय आप अपने तय समय के हिसाब से मतगणना केंद्र पे भी आए, इस आत्मविश्वास के पीछे क्या है? मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक फिर अपनी कुलदेवी की उसको हमने माना। चुनाव में भी आपने देखा है शुरुआत में विधानसभा से पहले जब टिकट नहीं मिला तो देव दर्शन यात्रा करें बिल्कुल, तो उसका ही परिणाम है कि ईश्वरीय सत्य हमारे साथ कहीं कहीं ईश्वरीय सत्यों का आशीर्वाद मिलता है। और कल भी मैं बाबा रामदेवरा भी गया, भादरिया माता जी गया, तो वहाँ भी माता जी सांवड़ी खील के रूप में दर्शन देती है। भादरिया माता जी के वहाँ भी दर्शन लिए और आज जब हम दसोल माता जी गए, नांगड़ा जी माता जी गए, वहाँ भी दर्शन हुए, साक्षात ईश्वरी कृपा रहती। सरदारपुरा के बाद भोपालगढ़ सीट से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर आई। वहां कांग्रेस के उम्मीदवार गीता बरवड़ ने जीत दर्ज की। उन्होंने आरएलपी के पुखराज गर्ग को 24,298 मतों से शिकस्त दी। गीता बरवड़ को 86,224 तो पुखराज गर्ग को 61,926 मत मिले। यह भारतीय जनता पार्टी की कमसा मेघवाल तीसरे स्थान पर रहीं, उन्हें 49,540 मत ही प्राप्त हुए। बिलाड़ा की सीट भारतीय जनता पार्टी के अर्जुन लाल के नाम रही। उन्होंने कांग्रेस के मोहनलाल कटारिया को 10,424 मतों से हराया। अर्जुन लाल को 90,766 तो मोहनलाल कटारिया को 80,342 वोट मिले। वहीं आरएलपी के जगदीश कड़ेला यहां 20,478 मत हासिल कर तीसरे स्थान पर रहे। लूणी सीट एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के जोगाराम पटेल ने कांग्रेस के महेंद्र विश्नोई से छीन ली। उन्होंने महेंद्र विश्नोई को 24,678 मतों से हराया। जोगाराम पटेल को 1,23,498 मत मिले तो महेंद्र विश्नोई को 98,820 मत हासिल हुए। वहीं आरएलपी के बद्रीलाल 16,529 मत लेकर तीसरे नंबर पर रहे। इस समय हमारे साथ स्टूडियो में हैं जोगाराम पटेल जो लूणी से 24,000 से भी अधिक मतों से चुनाव जीते हैं। जोगाराम जी सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो, धन्यवाद। और किसे जीत का श्रेय देंगे आप? मेरे लूणी क्षेत्र के समस्त कार्यकर्ताओं को, जनप्रतिनिधियों को और आम जन को, उनकी अथक मेहनत प्रयास और जनता का विश्वास जीत कर उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। इसलिए मेरी जीत मेरे समस्त पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को, आम जन को और मेरे प्रदेश और देश के नेतृत्व को समर्पित करता हूं। चुनाव मैदान में जब आप उतरे क्या आपको उस समय से विश्वास था कि नतीजा आपके फेवर में रहने वाला है? मुझे कार्यकर्ताओं की जो मेहनत थी जी, कार्यकर्ताओं का जो प्रयास था, हमारे जनप्रतिनिधियों का जो आशीर्वाद था, उसे मुझे विश्वास था कि लूणी में हम कमल को खिलाएंगे।
जोगाराम जी आपसे एक सवाल है कि क्या लगता है आपका मुख्यमंत्री कौन होगा? बड़ा सवाल है ये, नहीं अच्छा, और आपकी राय महत्वपूर्ण रहेगी विधायक। अच्छा सवाल है, पर ये सवाल मेरे से संबंधित तो नहीं है, ये हमारे प्रदेश और देश का नेतृत्व तय करेगा, वही हमारा मुख्यमंत्री होगा और हम सब लोगों की राय से करेंगे, हमें वो सब स्वीकार होगा, ये विषय हमसे संबंधित तो नहीं। एक ब्रेकिंग न्यूज चल रही है कि ओम जी माथुर की सिक्योरिटी बढ़ाई गई, इस बारे में मुझे अभी जानकारी नहीं। क्या वो राजस्थान में रुख कर रहे हैं? वैसे तो वो फ्लाइट से रायपुर पहुँच रहे हैं, जो मेरी जानकारी है। आपकी जानकारी मेरे से अधिक होगी क्योंकि आप पूरे हिंदुस्तान को कवर कर रहे हैं, पर इस बारे में मेरी जानकारी नहीं है। जोगराम जी, बीजेपी इस समय 113 सीटों पर आगे भी है, जीत भी कई सीटें चुकी है, इसमें 30-35 सीटें जीत भी चुकी है, क्या लग रहा है आपको ये फिगर कहाँ तक जाएगा? हमारा जहाँ तक विश्वास है जी, और जैसा हमको ज़्यादा समाचार तो हमको नहीं मिले क्योंकि हम लूनी से बाहर नहीं गए थे दिन महीने भर से, लेकिन हमको है कि स्पष्ट बहुमत से भाजपा राजस्थान में सरकार बनाई। लूनी में जो आपको जीत मिली है, लूनी की जनता क्या सोचकर उसने आपको जिताया, आपको क्या लगता है आपकी अब लूनी की जनता के प्रति क्या दायित्व बन गए? मेरा दायित्व पहले भी था, अब भी है जी, और हमारी भाजपा की पूरी टीम जिसमें हमारे राजस्थान के और हमारे लूनी के जो जनप्रतिनिधि है, पूर्व जो जनप्रतिनिधि है, उन सबके साथ लेकर के हम लोग हम की भावना से, मैं की भावना से नहीं, हम की भावना से सब मिलकर के कार्य करेंगे, जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे, चाहे वो पेयजल की समस्या है, चाहे लूनी और जोजरी नदी में प्रदूषित पानी की व्यवस्था है, चाहे शहर के नज़दीक लगती हुई जो ग्राम पंचायत है उनको शहरी सुविधाएं नहीं मिल रही है, उनको सुविधाएं मिले, और विशेष रूप से हमारा सबका प्रयास रहेगा कि पेयजल की शिकायत कम से कम हो, पेयजल की सुविधा मिले। जोधपुर शहर सीट भारतीय जनता पार्टी के अतुल बंसाली ने जीत दर्ज की, उन्होंने कांग्रेस की मनीषा पवार को 13,525 मतों से हराया, अतुल बंसाली को 71,192 तो मनीषा पवार को 57,667 मत हासिल हुए। पर आगे है, यानी वो बहुमत के बिल्कुल करीब है, बाउंड्री लाइन पे खड़ी है, और बस अब एक सीट दो सीट के बाद सरकार बहुमत के साथ बीजेपी बन रही है। और हमारे साथ इस समय स्टूडियो में जुड़ रहे हैं जोधपुर शहर से भारतीय जनता पार्टी के विजयी प्रत्याशी अतुल बंसाली। अतुल बंसाली जी को बहुत बहुत बधाई, जोधपुर शहर से आपने चुनाव 13,000 वोटों से जीता, आपको बहुत बहुत बधाई और आपका स्वागत है। अतुल जी आपका स्वागत है। अतुल जी सबसे पहले तो आपको जीत के बहुत बहुत बधाई, 13,000 बहुत बड़ा अंतर, आपने चुनाव जीता, किसे श्रेय देंगे? सारा श्रेय जोधपुर की जनता को और मेरे देवतुल्य पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने अपने आप को हमारे एक संकट की घड़ी में भी अपने आप को अतुल बंसाली बनकर सब जो लोगों से वोट मांगा और लोगों ने उस अपनत्व को समझकर इतने वोटों से झोली भर दी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है तुम लोगों का किस तरह धन्यवाद। बिल्कुल, इतने वोटों की बहुत बड़ा अंतर, जिस तरह के रुझान आ रहे थे, लोग मान रहे थे क्लोज मुकाबला रहेगा, लेकिन 13,000 बहुत बड़ा अंतर होता है। आप अब जोधपुर शहर के लिए क्या आपके मन में क्या प्राथमिकता रहेगा? मैंने ऑलरेडी जब चुनाव चालू हुआ और लोगों ने बात करनी चालू की तब एक नया जोधपुर का संकल्प लेके ये चुनाव कार्यक्रम चालू किया था, और आपके चैनल और चैनल के माध्यम से मैंने बोला कि सबसे पहले जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको कैसे कंट्रोल करें, सेकंड नंबर जोधपुर के अंदर चूँकि कांग्रेस सरकार ने बेरोजगारी सबसे ज़्यादा की और रोजगार के जितने साधन थे वो भ्रष्ट नीतियों के हत्थे चढ़ गए, तो स्वरोजगार कैसे उत्पन्न हो, हेरिटेज जोधपुर की सबसे शहर की सबसे बड़ी एक रोजगार देने वाली और जोधपुर को पूरे विश्व के मानचित्र पर
एक प्रसिद्धि देने वाली है उसके लिए एक बड़ा काम करेंगे प्लानिंग से और जोधपुर के डेवलपमेंट में, क्योंकि ये कहने कहा जाने लगा कि सड़कों में खड्डे या खड्डे में शहर मतलब सड़क है, तो मैं समझता हूँ कि जोधपुर की इस छवि को सुधारना होगा। और जिस तरह से स्कूल है, अंग्रेजी स्कूल है खोल के और बिना टीचर के छात्रों का भविष्य खराब किया, तो सबसे पहले प्राथमिकता में शिक्षकों की भर्ती, हेरिटेज वार्ड, लॉ एंड ऑर्डर और आधारभूत संरचना के अंदर जो काम हमारे लोकप्रिय सांसद विजेंद्र सिंह जी ने काफ़ी मेहनत की और अशोक जी ने अपनी अदावत के चलते व्यक्तिगत एक खटास के चलते उन सारी केंद्र की योजनाओं को जोधपुर में लागू नहीं होने दिया, तो प्रायोरिटी पे वो सब काम करेंगे और आप सबके साथ आप सबके सहयोग से एक नया जोधपुर कैसे बने, हम सब उसमें एक उत्साह और स्वाभिमान कैसे फील कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जब तक हम अच्छी चीज़ फील नहीं करेंगे तब तक हम लोगों को बता नहीं पाएंगे हमने क्या किया। तो मैं समझता हूँ कि जो जोधपुर की जनता ने आशीर्वाद दिया अगले 5 साल तक सारे काम योजनाबद्ध तरीके से पूरा करेंगे और आप सबका सहयोग इसमें रहेगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है। कैलाश जी 14,000 और कुछ वोटों से जीते थे, 14,510 वोटों से आपकी जीत हुई 13,000 से। इस चुनाव अभियान के दरमियान हमने कैलाश जी को खोया है, तो उससे आपको क्या लगा कि अगर वो रहते तो और ज़्यादा आपको बेनिफिट होता? बिल्कुल, क्योंकि काका पिछले 2 महीने से ऑक्सीजन सपोर्ट पे थे पर पूरी चेतना अवस्था में थे, उनकी रूटीन फिक्स था। जितने भी कार्यकर्ता आते थे, गजेंद्र सिंह जी आए, राजेंद्र जी आए या कोई भी विचार परिवार से लोग आते थे, तो उनके मन में एक ही चीज़ थी कि 2018 में जो चुनाव बहुत कम अंतर से हारे उसका इस बार 2023 के इलेक्शन के अंदर पार्टी जिसको भी टिकट दे काम करके और लोगों के कार्यकर्ताओं के अंदर, क्योंकि वो एक जन्मजात कार्यकर्ता थे और उन्होंने कभी आडंबर रख के विधायक का अपना कार्यकाल नहीं निकाला, 10 साल विधायक रहे पर जनता के बीच में एक कार्यकर्ता और एक सामान्य नागरिक की तरह रहे, तो उनके मन में बहुत बड़ी एक टीस थी और इच्छा भी थी कि इस बार की जो जीत हो वो और बड़ी हो। अब मैं ये नहीं कह सकता इसे जीत बड़ी होती या कम होती, पर मैं ये जरूर कह सकता हूँ इस सम्मानजनक जीत के बाद सही मायने में पूरी जोधपुर की जनता ने, भारतीय जनता पार्टी परिवार ने एक आप सब लोगों के माध्यम से एक श्रद्धांजलि उनको दी है जो वोटों के रूप में उनको मिली है। और पूरा हमारा परिवार भाजपा परिवार हमेशा इसके लिए कृतज्ञ भी रहेगा कि छत्तीसी कौम ने जातिगत जो विचारधारा से उठकर एक अपने भाई को, दोस्त को, यार को संघर्ष में जो 5 साल हारने के बाद भी लोगों के बीच में रहा, उस भावना को ध्यान में रखते हुए वोट दिया, क्योंकि उनके मन में था कि जो हार के भी संघर्ष कर रहा है तो जीतने के बाद जरूर जोधपुर के अंदर एक नया आयाम स्थापित करेगा। और वही मेरे काका जी की भी इच्छा थी और मैं आपको बताता हूँ अगर मैं उनके नक बराबर भी काम कर लूँ या ऐसा सरल बन जाऊँ तो मेरे लिए उपलब्धि होगी, क्योंकि वो एक देवतुल्य थे और अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे। जोधपुर जिले के मतों की गिनती राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में 2 मतदान केंद्रों पर हुई। जिला निर्वाचन अधिकारी जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता सुबह से ही मतगणना पर नज़र रखे रहे, उन्होंने एक एक चीज का बारीकी से निरीक्षण किया। वहीं मतगणना के दौरान पुलिस का भी माकूल बंदोबस्त रहा। हर बिल्डिंग में 2 हमारे सेंटर्स हैं जहाँ पे प्री काउंटिंग की और प्री काउंटिंग के बाद भी उसको काउंटिंग रूम में लेके आके पोस्टल बैलेट की तरह उनकी
हर बार की तरह इस बार भी आपके अपने पसंदीदा न्यूज़ चैनल 24 प्लस न्यूज़ ने मतगणना का पल पल का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाया। हमारे स्टूडियो से हमने पल पल के अपडेट को पहुंचाया, हमारी पूरी टीम इस चुनावी कार्य में लगी रही और आप तक सबसे पहले अपडेट पहुंचाए। हमारे स्टूडियो में जो हमने मतगणना केंद्र के बाहर अस्थायी रूप से बनाया, जीते हुए प्रत्याशी आए, हमने उनसे सवाल किए और उनसे जाना कि उनकी प्राथमिकता उनके मतदाताओं के प्रति, उनके विधानसभा क्षेत्र के प्रति क्या रहेंगी। चैनल 24 प्लस न्यूज़ आपको विश्वास दिलाता है कि हर बार हम आपको इसी तरह सबसे आगे। नरेंद्र सिंह जी, आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही चुनाव में, चुनाव से पूर्व आप बीजेपी आपने ज्वाइन की, फिर टिकट नहीं मिलने के बावजूद आपने साथ दिया, जिस तरह से आप क्या कहेंगे इस जीत पर? मेरा यूँ कहना है, आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, बने रहिए चैनल 24 प्लस न्यूज़ के साथ। नमस्कार।